हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंगन प्लांट के बारे में कि आप अपने बैंगन के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से लदा हुआ है। दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में बैंगन प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर फल फूल आने के बहुत ही कम चांस है, या फल नहीं बन रहे हैं और फल बनने से पहले फूल झड़ जाते हैं, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे जिन्हें डालने से आपका जो बैंगन का प्लांट है वो फल फूलों से बहुत ही कम समय में भर जाएगा, या और आप ढेर सारे बड़े बड़े साइज के फल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए ध्यान से, ताकि आपको उस फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि हमारे बैंगन के साइजों को बहुत बड़ा करने का काम करेगा और गाइस काफ़ी मात्रा में फल लगने लगेंगे। तो दोस्तों, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और इसके पत्ते भी काफ़ी ग्रीन एवं हेल्थी और चमकदार बने हुए हैं। इस पर काफ़ी मात्रा में फल और फूल आए हुए हैं। तो गाइस, सब बात करेंगे केयर के बारे में कि अपने पौधे की देखभाल कैसे करनी है सर्दियों के मौसम में। तो गाइस, अपने पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, यानी वाटरिंग तो हमें बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पौधे में सर्दियों के मौसम में नमी बनी ही रहती है, क्योंकि जो रात के टाइम में यानी शाम के टाइम में जो ओसों के रूप में बरसती है, यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसती है, उसे ओस भी कहते हैं, तो वो हमारे पौधे में नमी बनाती रहती है। तो गाइस, हमें अपने पौधे में वाटरिंग नहीं करनी है, चाहे तो महीने में सिर्फ एक बार वाटरिंग कर सकती है, वो भी हमारे पौधे की सॉइल में नमी बना सके उतनी। तो गाइस, तभी हमारा पौधा ढेर सारे फल फूल देने लगेगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की सॉइल के बारे में कि अपनी सॉइल को कैसी रखनी है। तो गाइस, हमारा पौधा किसी पॉट में लगा हुआ है तो उसकी मिट्टी को बदल देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे पौधे में जो नमी ज़्यादा बनती है उससे पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो हमें भुरभुरी मिट्टी लेकर अपने पौधे को लगा देना चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। तो गाइस, अब जान लेते हैं उस चीज़ के बारे में कि वो कौन सी चीज़ है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर DAP ली हुई है, जो कि मैंने यहाँ पर कम से कम 25 ग्राम DAP का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बना करके तैयार करूँगी। तो गाइस, आप चाहे तो अपने पौधे की जड़ों में इस DAP के साबुत दानों को डाल करके तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो गाइस, आगे इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बनाकर दिखाने वाली हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 200 ml के लगभग पानी लिया हुआ है, और इस पानी में हमें करना क्या है कि इस DAP को लेकर डाले देना है। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर DAP को लेकर के तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैंने DAP कम ली हुई है और इस पानी में ही डाल करके तैयार कर लिया है। तो गाइस, अब इस DAP को डालने के बाद हमें अपने पौधे के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए रख देना है इस फर्टिलाइज़र को, तभी हमारे लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनेगा जिसे डालने से हमारा पौधा फल फूलों से भर जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि हमने 1 घंटे पहले जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुड़ाई के बारे में कि अपने पौधे की 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद अपना जो फर्टिलाइज़र बन गया है उसे लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है, तभी हमारा पौधा फल फूलों से सिर्फ 2 दिन में भर जाएगा। तो गाइस, आप ऐसा काम कर लेंगे तो आपको कभी भी बाज़ार से बैंगन सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।